ट्रैफिक में या फिर व्यस्त ट्रैफिक में हम किस तरह से सुनिश्चित करें कि हमारी जो डिलीवरी है वो टाइम से हो जाए, क्योंकि लेट डिलीवरी किसी को भी नहीं पसंद होती है, ना ही कस्टमर को और ना ही किसी डिलीवरी पार्टनर को, क्योंकि अगर वो लेट करता है तो उतनी देर में वो एक और ऑर्डर कर सकता था। ठीक है, तो डिलीवरी पार्टनर भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीवरी करें। तो सबसे पहले आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रेस्टोरेंट जाइए और ऑर्डर पिक कीजिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप ऑर्डर पिक कर लेंगे उसके बाद कस्टमर्स के पास जाने के लिए आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक तो आप डायरेक्ट उनकी लोकेशन फॉलो करिए और रोड रोड निकल जाए। ठीक है, दूसरा होता है कि आप कस्टमर को कॉल करें या फिर आप बिना कॉल किए जो शॉर्टकट्स होते हैं वो फॉलो करिए और ज्यादा से ज्यादा यूज करें कि सर्विस लेन से निकल जाए। ठीक है, तीसरा होता है कि आप कस्टमर को कॉल करें और कस्टमर से पूछें क्या इस रास्ते पे जाम लगा हुआ है या फिर ये रास्ता जो है काफी ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो आप कोई अगर शॉर्टकट है तो बता दीजिए या फिर कोई डायवर्जन वगैरह हो तो बता दीजिए कि मैं आपके पास जल्दी से जल्दी आ सकूं, क्योंकि हमें काफी लेट हो रहा है और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो कस्टमर इस सिचुएशन में आपको हेल्प करते हैं कि आप ये वाला रास्ता ना लेके बल्कि आप पीछे वाला रास्ता लीजिए और आप जल्दी आ जाएंगे और उधर कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें तीन पॉइंट आपने देखा कि यूज सर्विस लेन, कॉल द कस्टमर या फिर यूज शॉर्टकट रूट। ठीक है, तो ये सिंपल तीन स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं और आपकी डिलीवरी टाइम से होगी और पीक ट्रैफिक में आपको ट्रैफिक का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है।